बॉक्सिट के बारे में बात करेंगे, ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स टॉपिक रहेगा आज इसकी वीडियो का, और आज की डेट है 2/9/2023। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम, व्हाट डू यू कॉन्ग्रेंट इन मीन इन ज्योमेट्री? वीर, इफ टू फिगर कैन पुट एग्जैक्टली ओवर ईच अदर द सेम साइज सेम शेप दे आर कॉन्ग्रेंट। इन सिंपल वर्ड, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोथ फिगर्स आर एग्जैक्टली सेम। कहने का क्या मतलब है? अगर मैं इस स्टार को उठाऊँ और इस वाले के ऊपर रखूँ तो बिल्कुल सेम होगा, इसको उठाऊँगा इसके ऊपर रखूँगा तब भी सेम शेप होगा, और इसको उठाऊँ इसके ऊपर रख दूँ तो भी जो है हमारा सब कुछ सेम होगा और बिल्कुल एक दूसरे को ये कवर कर लेंगे, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रेंस। इफ़ टू ट्राइंगल्स सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ द करस्पॉन्डिंग, अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे हमारे कॉन्ग्रेंट। ठीक है, जैसे आप देखो, हम यहाँ देखो ए बी सी जो है और डी ई एफ, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस होंगे तब जब ये वाली साइड इस वाली साइड के, ये वाली साइड इस वाली साइड के, और ये वाली साइड इस वाली साइड के, ये एंगल इस वाले एंगल के, ये एंगल इस वाले एंगल के, और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसके सिंबल किससे डिनोट करते हैं? अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंस होंगे, इज इक्वल टू के ऊपर नियरली का साइन लगा कर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हमको कहा गया है इन फिगर ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ द कम्प्लीट द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पेयर्स। देखो जो बी सी है, ये जो लाइन बी सी है ये किसके इक्वल है? तो आप देखोगे ये एफ ई के, किसके इक्वल है? एफ ई के। एफ डी जो है ये किसके इक्वल है? तो ए सी के है। और यहाँ देखो एंगल सी जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी जो है ये आपका बराबर हो जाएगा किसके? ये आपका बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। सी जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा? एफ के। एंगल ई जो है ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी के। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।